देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट। ये खबर देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूले। आप उससे चाहे प्यार करो या नफरत, पर उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। जी हाँ, हम आज बीजेपी के धुरंधर प्रवक्ता संबित पात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी शब्दों की बाँध से जाने जाने वाले संबित टीवी डिबेट का वो शख्स है जो कि एक जमाने में स्मृति ईरानी हुआ करती थी। कुछ दिन पहले टीवी स्क्रीन से अचानक गायब हो गए थे संबित पात्र, और फिर खबर आया कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये न्यूज़ सुनते ही सिर्फ बीजेपी के फैंस नहीं, सारे वो लोग जो उनको जानते हैं, सब चिंतित हो गए और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की। जब संबित को कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो तुरंत गुड़गांव की मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, और करीब 2 हफ्ते ट्रीटमेंट के बाद आज यानी मंगलवार को सुबह उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। ये खबर खुद संबित ने एक ट्वीट के जरिए सूचित किया। संबित ने ट्वीट में सबको धन्यवाद देते हुए ये कहा, आप सभी के आशीर्वाद और प्रार्थना के बल से मैं स्वास्थ्य लाभ कर अपने घर लौटा हूँ। संपूर्ण रूप से ठीक होने में और थोड़ा वक्त लगेगा। आप सभी को आपके आशीर्वाद के लिए मेरा दंडवत प्रणाम। जैसे ये खबर आया तो फैंस क्लब में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि संबित के बिना टीवी डिबेट मानो ऐसे कि जैसे बादल के बिना आसमां। संबित जिस डिबेट में नहीं, वो डिबेट डिबेट नहीं होता। अपनी पार्टी को डिफेंड करने में माहिर प्रवक्ता संबित आज हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद यह भी ट्वीट किया कि मेरे बीमारी में मेरी पार्टी बीजेपी ने जिस प्रकार से एक माँ के रूप में मेरी चिंता की, पार्टी का नेतृत्व परछाई बन सदैव मेरे साथ खड़ा रहा। मैं आज निसंकोच भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा, पार्टी ही मेरा परिवार है। बीजेपी को कोटिशा प्रणाम। आज के लिए बस इतना। खबरों में बने रहने और नए खबर की जानकारी पाने के लिए इंडिया फर्स्ट को सब्सक्राइब करें।